नमस्कार, मैं सुमंत कश्यप, ग्रैंड एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट, अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम वास्तु पे ही चर्चा करेंगे। जैसा कि आपके सामने एक मैप मैंने अपने सॉफ्टवेयर में बनाया है, 15 डिग्री 8 डिग्री भी आप देखेंगे मैंने लिया है, और 15 डिग्री पे, और यहाँ एक राइट तरफ में आप एक फ्लोर प्लान देख रहे हैं, एक फ्लैट का है, इसी को मैंने यहाँ पे लिया है और इसको मैंने ग्रिड किया हुआ है। तो आप देखिए सभी जोन्स आपको दिखेंगे। ये वीडियो बनाने के पीछे रीज़न ये था, अक्सर पहले भी मैंने अपने क्लासरूम के वीडियोस डाले हैं, जो वास्तु क्लास हुआ था, इधर भी डाल रहा हूँ। तो कुछ कॉमन से क्वेश्चन अब लोगों के आ रहे हैं कि मेरा साउथ ईस्ट कटा है तो क्या रेमेडी करें, नॉर्थ कटा है, नॉर्थ वेस्ट है, या वीक है, या ऐसा। तो देखिए एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि कोई भी जोन वीक है, कटा है, एक्सटेंडेड है, क्या रेमेडी होनी चाहिए, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। आपसे मतलब है कि यदि आप वास्तु नहीं जानते, वास्तु कंसल्टेंट नहीं है। दूसरा, रेमेडी इस बात पे डिसाइड नहीं की जाती कि ये जोन कटा है या वीक है। रेमेडी इस बात पे की जाती है कि आपका रिक्वायरमेंट है क्या, आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है, रेमेडी इस बात पे होती है। वास्तु रेमेडी का नाम नहीं है। वास्तु खुद को जानने का, खुद को पहचानने का, और अपनी एनर्जी को वास्तु की एनर्जी से अलाइन करके मैक्सिमम बेनिफिट प्राप्त करने का। मैं जो बात बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा। अपनी एनर्जी को पहचान कर, वास्तु की एनर्जी से अलाइन करके, और उस जो इन्वायरमेंट है आपकी वास्तु को, जो एनर्जी है, उसका यूज करते हुए मैक्सिमम बेनिफिट प्राप्त करना, ये वास्तु का मोटो है। मैं इसी बेस पे काम करता हूँ। अब हो सकता है आपको ये मेरी बात कुछ लोगों को समझ में नहीं आए। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। घर में 5 लोग हैं, 5ों के नेचर को जज कीजिए। एक आदमी जो किसी भी एक जगह पे स्थिर नहीं बैठता, कभी इस रूम में, कभी उस रूम में, कभी ये किया, कभी वो किया, यानी वो हमेशा एक्शन मोड में है, कुछ ना कुछ वो कर रहा है। एक दूसरा आदमी जो सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे रहा है और एक जगह पे स्थिर है, बैठा हुआ है। एक तीसरा आदमी जो थोड़ा सुस्त है, स्लो है, धीमी गति से वो अपना काम, जो अपने लय में है, वो चल रहा है। एक ऐसा आदमी जो पूरे जोश जुनून, ऊर्जा काफी उसमें ज्यादा है। एक ऐसा भी आदमी आपको मिलेगा जो धीमे तरीके से, शांति के साथ, अपने गेंस पे बात कर रहा है। अपने गेंस से मतलब उसको क्या मिलने वाला है, वो सिर्फ इससे मतलब रख रहा है। वो उठा, एक तरह से आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वो उसका जो वर्क प्रोफाइल है वो अपने गेंस पे डिपेंड है। उसको ये मतलब नहीं है कि इससे किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, क्या होना, उसको अपना बेनिफिट मिल जाना चाहिए, इससे मतलब है। क्योंकि फैमिली है तो अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे। तो जब अलग अलग तरीके के लोग हैं, सबका नेचर अलग है, तो फिर आप ये कैसे सोच सकते हैं कि एक तरह की जो रेमेडीज आप यहाँ करेंगे, जैसे इस मैप में आप देखिए साउथ ईस्ट कटा है, साउथ साउथ ईस्ट कटा है, ये साउथ कटा है, तो ये कटा हुआ और यहाँ पे क्या एक्शन हो रहे हैं, यहाँ पे क्या एक्टिविटी है, ये मैप देख के नहीं पता। तो जब तक वो पता नहीं होगी, अलग अलग एक्टिविटी के घर में जो लोग हैं उनको क्या समस्या आ रही है, जब तक वो पता नहीं होगी, तब तक कैसे यहाँ पे रेमेडी आप कर सकते हैं, सोचिए। और घर में जो घर के मुखिया हैं, मेन सदस्य हैं, सबसे पहली बात तो उनके अनुसार हमें देखना है। जो अर्निंग मेंबर है, यहाँ मुखिया से मतलब वही समझिए कि जो अर्निंग मेंबर है उनके अकॉर्डिंग, साथ ही साथ जो और लोग हैं उनके हिसाब से भी वास्तु का मैक्सिमम बेनिफिट होना चाहिए। यानी जब तक हम नेचर नहीं समझेंगे, तब तक हम इस काम को नहीं कर पाएंगे। यानी आप एक जनरल रेमेडीज नहीं बताई जा सकती कि आप ये कर लीजिए। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके उसके आधार पे समझा रहा हूँ। सपोज कीजिए ये घर एक वैसे आदमी का है जो काफी एनर्जी वाला है, जोश और जुनून वाला है, तुरंत एक्शन लेता है, यानी जोश और ऊर्जा से भरपूर है, फायर की अधिकता है। हर एक आदमी में 5 एलिमेंट होते हैं, वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट और स्पेस एलिमेंट, लेकिन एक या दो एलिमेंट लीड कर जाते हैं आगे, यानी उनकी अधिकता होती है आप में, उसी का इम्पोर्टेंस होता है। तो सपोज कीजिए एक फायर एलिमेंट प्रधान एक जातक है और वह इस घर में रहने आया,
तो इस स्थिति में यहाँ जो ये जोन्स कटे हैं, ये फायर के जोन कटे हुए हैं, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ, और वो जातक भी फायर प्रधान वाला ही है। अब सपोज कीजिए कि यहाँ वैसी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है जिससे फायर को स्ट्रेंथ मिले, तो ऐसी स्थिति में वो जातक क्या फील करेगा कि मैं अपने पूरे स्ट्रेंथ के साथ अपना पूरा एफर्ट नहीं लगा पा रहा हूँ, मुझे अपने काम में जो सक्सेस मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो है फायर वाला और वो फायर यहाँ पे डिस्टर्ब, इस कारण उसको ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर उसके अनुसार रेमेडी यहाँ अलग हो जाएगी। इसके ठीक उलट एक आदमी एयर एलिमेंट वाला है, एयर से कैसे समझेंगे, एयर वाला आदमी किसी एक जगह पे स्थिर नहीं बैठता, घूमता है, हमेशा मूवमेंट में है, कभी कुछ किया कभी कुछ किया, हर एक एक्टिविटी उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रही है, घर में ही बैठ बाकी लोग बैठे हैं वो टहल रहा है चल रहा है, तो वो अजातक है। तो वैसे स्थिति में ये जो एयर के जोन देखिए, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट, एयर वाले जोन बैलेंस है, तो एयर वाला जोन सही है चूंकि उसकी नेचर वो है, तो उसके लिए हमें यहाँ जो रेमेडी करनी होगी वो अलग होगी। रीजन क्या है कि एयर के लिए ये बाय प्रोडक्ट है, यानी जैसे फायर के लिए ये मेन था प्राइमरी था, तो वहां पे रेमेडीज का प्रोसेस अलग हो जाएगा, जबकि एयर वाले के लिए रेमेडीज का प्रोसेस अलग हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर जो हमारा नेचर है ये एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। इसी फाइव एलिमेंट को और आगे जब आप जाएंगे तो रजस सतव और तमस से ये टैली करता है, फिर वात पीत कफ से टैली करता है। कहने का मतलब कि जब तक हम जातक के नेचर को जज नहीं करेंगे, उसके वर्क प्रोफाइल को जज नहीं करेंगे, उसके लाइफ स्टाइल को जज नहीं करेंगे, तब तक ये जैसे जनरली आप जो यूट्यूब में देखते हैं कि लाल पट्टी इधर लगा दी, इधर पीला लगा दीजिए, इधर ये बल्ब जला दिया, तो ऐसे किसी का भला नहीं होना, क्योंकि बहुत से लोग आपको मिलेंगे, आप में से ऐसे लोग हैं भी कि हमने ये वास्तु रेमेडीज की, हमको ये रिजल्ट नहीं मिला, वो नहीं मिला। रेमेडीज की जाती हैं लेकिन प्रोसेस वो नहीं है जो 10 मिनट आधे घंटे के यूट्यूब वीडियोज में बता दी जाती है, इस बात को ध्यान से समझिएगा। तो इसलिए ऐसे जनरल क्वेश्चंस आप ना करें, क्योंकि मैं आंसर मेरे लिए कठिन है कि सिंपली किसी का ये कह देना कि साउथ ईस्ट कटा है तो ये कर लो, ये आप भी खुद से समझ रहे हैं। हर एक एलिमेंट के अलग अलग टेस्ट होते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज होते हैं। सपोज कीजिए यदि आप मीठा गुड़ ज्यादा खाते हैं, आपको ज्यादा पसंद है, तो इस स्थिति में वो कहीं ना कहीं अर्थ एलिमेंट यदि आपका वो नेचर है तो उसको फुलफिल करता रहेगा। तो सपोज कीजिए जैसे यहाँ पे अर्थ एलिमेंट के लिए साउथ वेस्ट, वैसे भी तो ठीक है यहाँ पे एक्सटेंडेड है, सपोज कीजिए कि साउथ वेस्ट यहाँ होता है, ये वाली स्थिति होती जहाँ ये साउथ लिखा हुआ है या साउथ ईस्ट लिखा हुआ है, सपोज कीजिए ये साउथ वेस्ट होता और ये साउथ वेस्ट कटा हुआ है और आप अर्थ एलिमेंट के हैं और आप गुड़ मीठा खाते हैं हमेशा सुबह शाम, तो फिर आपको उतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करना होगा। तो फिर जो रेमेडीज हम करेंगे वो जो हमारा डिसीजन होगा वो उस आधार पे होगा, आपके पसंद, आपके टेस्ट, क्या आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्या सॉल्यूशन चाहिए। यानी जब तक हम पूरा आपका ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे तब तक हम रेमेडीज नहीं कर पाएंगे, ध्यान से समझिए इस बात को। एक बात यहाँ मैं और बता दूं, 15 जुलाई से हमारा कंप्लीट वास्तु कोर्स शुरू हो रहा है, यदि आप करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। इन सारे एस्पेक्ट पे हम वहाँ चर्चा करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, क्लाइंट को समझना, उसकी एनर्जी को समझना, कैसे वास्तु को क्लाइंट के साथ अलाइन किया जाए, मैक्सिमम बेनिफिट उठाया जाए, काफ़ी विस्तृत तरीके से कोर्स होगा। 24 से 32 क्लासेस मैंने ऐसे कोर्स अपने तरफ से सोचा भी है, लेकिन आगे भी जाता है, 40 क्लासेस भी होता है, तो कोई इशू नहीं है। कोर्स ख़त्म होने के बाद से आपको 2 महीने का प्रैक्टिस सपोर्ट मिलेगा और उस 2 महीने में 6 घरों का वास्तु आप मेरी गाइडेंस में करेंगे, यानी उस 6 घरों का जो आप वास्तु करेंगे और मैं आपको प्रैक्टिस सपोर्ट दूंगा अपनी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कोर्स में ही शामिल है। कोर्स की फी 22,000 रुपये है, इंस्टॉलमेंट में 13,000 का 2 इंस्टॉलमेंट है। मैंने अपनी तरफ से काफ़ी अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है इस कोर्स में, यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका वेलकम है, आइए इस सफ़र की शुरुआत कीजिए। और वास्तु के नया संसार तो मैं नहीं कहूँगा, चूँकि मैंने तो वास्तु नहीं बनाया, नहीं ऐसा नहीं कि मैं ये कहूँ कि मेरा रिसर्च है, हमारे ऋषि मुनियों ने जो दिया है
उसका मैं तो अपने आप को 0.% भी नहीं मानता जितना हमारे जो समृद्ध हमारी विरासत है ज्योतिष और वास्तु का, जो मुझे आता है, मेरे वीडियोस आप देखते हैं, तो वो मैक्सिमम मैं अपने तरफ से दूंगा कि आप इससे लाभान्वित हों। लोगों का, अपने क्लाइंट्स का तो बाद में सोचिए, खुद का आप प्रोग्रेस कर सकें, ये सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है। वास्तु ज्योतिष सारे काम करते हैं, तरीका और ये जो प्रोसेस आप कैसे करते हैं, ये डिपेंड करता है रिजल्ट को लेने के लिए। बने रहिए, मिलते हैं कुछ और वीडियोस के साथ ऐसे ही ज्योतिष वास्तु न्यूमरोलॉजी सारी चीज़ों को। यहाँ एक बात और मैं ऐड कर देता हूँ, इसी महीने में हमारे 3 वर्कशॉप शुरू हो रहे हैं कोर्सेज। एक कंप्लीट वास्तु कोर्स 15 जुलाई से, प्रैक्टिकल न्यूमरोलॉजी कोर्स 14 जुलाई से। प्रैक्टिकल न्यूमरोलॉजी कोर्स का फी है 15,566 रुपये। इसमें आप कंप्लीट प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट बनेंगे और मेरे यूट्यूब चैनल पे जो न्यूमरोलॉजी का प्लेलिस्ट है वहाँ पे आप जाके देख भी सकते हैं। एक अलग ही मैंने वहाँ पे अपना जो न्यूमरोलॉजी के बारे में मेरा ओपिनियन है वो मैंने वहाँ पेश किया है, आप देखेंगे समझ में आएगा। और साथ ही बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन यानी जन्म समय शुद्धिकरण ज्योतिष का एक थोड़ा जटिल पार्ट है। कैसे किसी का जन्म समय में 1.5 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे का डिफरेंस है, तो कैसे आप उसका सही जन्म समय निकालेंगे, इस पे एक कोर्स ला रहा हूँ मैं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का। ये भी कोर्स 2 महीने का होगा और उसकी फ़ी भी 14,000 रुपये रखी गई है। यानी बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन की फ़ी 14,000, प्रैक्टिकल न्यूमरोलॉजी फीस 15,566 और ये कंप्लीट वास्तु कोर्स 22,000। जो भी कोर्स आपके इंटरेस्ट का है या आपके जानने वाले के इंटरेस्ट का है, ज्वाइन कीजिए। सभी क्लासेज जूम ऐप्स पे होंगी और क्लासेस का जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो आपको दिया जाएगा। बने रहिए, मिलते हैं फिर आपके साथ। धन्यवाद।